में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए, लेकिन नामांकन के तीसरे दिन सिर्फ दो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। आज नॉमिनेशन का तीसरा दिन है, दो नामांकन पत्र अभ्यर्थियों के द्वारा लिए गए हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें दिलचस्पी ली जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल होगा। चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हैं, स्वतंत्र रूप से स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट अंदाज में कराने के लिए सारी जिला प्रशासन और हमारा इलेक्शन डिपार्टमेंट में संकल्प है। नामांकन की तिथि 13 नवंबर तक का है। वहीं लोगों का कहना है कि वोटर लिस्ट लेने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि वोटर लिस्ट उपलब्ध है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी उपलब्ध है और सहजता से लोग लेते हैं। 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से, वो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि वो कितने पेजेस उनको चाहिए। पूरे का लेना चाह रहा है तो पूरा, पूरी क्या क्या उसका सर कितनी पेज? 2 रुपए प्रति पेज मैंने कहा। तो बिक्री कहाँ होगी सर, कहाँ कटाना होगा? बिक्री कहाँ पर हो रही है सर, कहाँ पर लोग करेंगे? नजारत में भी हम लोग पास अवेलेबल, नजारत पास में हम लोग गए थे तो नजारत बोले कि वोटर लिस्ट के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। अब वो क्या बोले वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी कैंडिडेट सर आपके यहाँ जमा करते हैं तो बकायदा शुल्क सहित अपना जमा करेंगे। बता दें कि नामांकन में महज 2 दिन ही बचे हैं। दरअसल शनिवार, रविवार और मंगलवार को सरकारी अवकाश की वजह से नामांकन दाखिल नहीं होगा, सिर्फ सोमवार और बुधवार को ही नामांकन दाखिल किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश सोनी की रिपोर्ट।